हाय एवरीवन तो बहुत बहुत सोच रही थी कि मैं आज आपके साथ क्या शेयर करूं फिर अचानक से मैं जब घर में सफाई कर रही थी तो मुझे कुछ ये वुडन के स्टिक मिल गई मैंने सोचा इन दो स्टिक के साथ मैं क्या करूंगी और फिर मुझे मिला ये छोटा सा एक प्लाईवुड का टुकड़ा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था लेकिन चलिए हम कुछ ना कुछ इससे बना लेंगे हेलो एवरी वेलकम बैक टू माई चैनल दिस इज़ अश्विनी एंड चलिए आज के डी को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मैंने ये वुडन के स्टिक ले लिए हैं एंड इनको ना मैंने थोड़ा सा सैंड कर लिया है सैंडिंग पेपर की हेल्प से और थोड़ा सा इनका रफ टेक्सचर था तो बस उसको हम स्मूद आउट करेंगे क्योंकि हम इसे करने वाले हैं पेंट बहुत देर सो बहुत देर तक सोचने के बाद फिर मुझे आइडिया आया और मैं बैठ गई हूँ ये टी बनाने के लिए तो सबसे पहले इसे क्लीन करके ना हम कुछ यहाँ पर पॉइंट आउट कर लेंगे कि इसका हमें हाइट क्या चाहिए और उस अकॉर्डिंग इस लकड़ियों को जो ना हम तोड़ लेंगे तो यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस था मैं कुछ इस तरह का यूज़ करी मुझे बहुत डर लग रहा था तो अब ना ये जो हम पार्ट हमने कट करे थे उनको फिनिश कर लेंगे एंड अब देखिए मैंने इसका हाइट मेजर कर लिया है मुझे किस हाइट तक चाहिए और ये वुडन का जो प्लाईवुड था उसको मैंने यहाँ पर स्टिक कर लिया है तो अब तक आपने गेस्ट कर ही लिया होगा कि मैं बना क्या रही हूँ तो मैं एक छोटा सा वॉल हैंगिंग बना रही हूँ मतलब ये जो ना हम कुछ जो शेल्फ होते हैं उस तरह से काम करेगा आप इसे चाहिए तो गार्डन में डेकोरेट कर सकते हैं या फिर घर में भी लगाइए क्योंकि इसका जो रिजल्ट आया है ना वो बहुत अमेजिंग है तो आप अपने अकॉर्डिंग इसे कहीं पर भी लगा सकते हैं और इसके ऊपर कुछ सामान को डेकोरेट कर सकते हैं इतने से ये शेल्फ मजबूत नहीं होता इसलिए मैंने यहाँ पर पॉपस्टिक यूज़ किए हैं और मैं ये दो पॉपस्टिक को आपस में जोड़ दूंगी और इस तरह से देखिए मैंने बहुत सारे पॉपस्टिक बना लिए हैं इनको पहले हम ड्राई कर लेंगे फिर ही हम इसका जो आगे का प्रोसीजर है वो कर पाएंगे तो अब देखिए यहाँ पर जो भी इसका मेजरमेंट है वो मैंने ले लिया है और दोनों साइड से मैंने इस पॉपस्टिक को कट करा है क्योंकि हम इसे ऐसे पेस्ट करेंगे ना जो ये जॉइनिंग पार्ट है वो एकदम सेंटर में आना चाहिए तो ऐसा लगेगा कि ये कुछ हमने डिज़ाइन क्रिएट करी है और इसे स्टिक करने के लिए मैं वुड ग्लू का यूज कर रही हूँ आप अगर फेविकॉल लगा रहे हैं तो उसको अच्छे से इस तरह से जो चिमटे आते हैं उससे आप स्टिक कर लीजिए और ड्राई होने तक रख दीजिए तो ये आराम से स्टिक भी हो जाएगा आपके पास अगर ग्लूगन है तो आप उससे भी स्टिक कर सकते हैं तो देखिए ये था उसका फिनिशिंग लुक और अब मैं इसे करने वाली हूँ पेंट जिसके लिए मैंने लिया है जो एनामल पेंट होता है यानी कि ऑयल पेंट जो होता है उससे मैं इसको पेंट करने वाली हूँ क्योंकि इतनी बड़ी क्वांटिटी में मेरे पास ब्लैक कलर अवेलेबल नहीं था तो ऑयल पेंट से मैं कवर कर लूँगी और ये बहुत ही अच्छा सा ना ग्लॉसी फिनिश भी देता है तो आपको वर्निज भी इसके ऊपर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है तो बहुत धीरे धीरे से मैं लगा रही थी क्योंकि ये एक ही ब्रश था मेरे पास ऑयल पेंट का और मुझे लग रहा था अगर ये पॉपस्टिक पर लग जाएगा तो ये अच्छा नहीं दिखेगा और मैं इसको ना इसी तरह से लुक देना चाहती थी तो ये रहा इसका फाइनल लुक आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट्स में जरूर बता देना चलिए स्टार्ट करते हैं सेकेंड डीआईवाई के लिए जिसके लिए मैं बनाने वाली हूँ एक बहुत ही प्यारा सा पॉट और उसी के साथ हम बनाएंगे इस पॉट के लिए एक छोटू सा क्यूट सा आर्टिफिशियल प्लांट तो प्लांट तो मैं नहीं बनाने वाली हूँ मैं बनाने वाली हूँ फ्लावर यहाँ पर और वो क्या होने वाला है आप ज़रूर वीडियो में आगे देखिए और अगर आप इसको गैस कर रहे हैं तो फटाफट से कॉमेंट सेक्शन में लिख दीजिए एक्चुअली ये पॉट को मैं कर रही हूँ रेडी इसमें थोड़ा सा वेट वगैरह हम डालेंगे जिसके लिए मैंने यहाँ पर सुपर क्ले ली है और कुछ स्टोन्स लिए हैं क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं इसके अंदर मतलब वॉल पुट्टी या फिर वाइट सीमेंट डालकर इसे ड्राई कर लूँ मुझे वीडियो शूट करना था फटाफट और आपके साथ शेयर भी करना था तो आप इसके अंदर ना वॉल पुट्टी का पेस्ट भी बनाकर डाल सकते हैं या फिर वाइट सीमेंट का जिससे ही कि ये अच्छे से मजबूती से टिका रहेगा बट वो सूखने में काफ़ी टाइम लेता है तो चलिए बढ़ते हैं डी की तरफ तो अब यहाँ पर ना मैंने छोटा सा एक कार्डबोर्ड का सर्कल कट कर लिया है और यहाँ पर मैं पिस्ता शेल्स का यूज़ कर रही हूँ तो इसको ना हम यूज़ करके बहुत ही प्यारा सा एक फ्लार बनाने वाले हैं तो पिस्ता शेल का यूज़ करके ना इस तरह के फ्लावर आपने काफ़ी बार देखे होंगे तो मैं आज वो फ्लावर्स बना रही हूँ फ़र्स्ट टाइम तो चलिए इसे बनाते हैं और मैं बता दूँ आपको कि मैं क्या बना रही हूँ तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ सन फ्लावर तो जिसके लिए मैंने ये पिस्ता शेल्स को इस तरह से लगा दिया है सेंटर में आप चाहे तो कोई भी क्ले लगा सकते हैं तो मैं यहाँ सुपर क्ले का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाएगा और मोल्डेड क्ले को ड्राई करने में काफ़ी टाइम लगता है अगर आपके पास वो है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं तो देखिए फटाफट से यहाँ पर क्ले को लगाने के बाद कुछ अंदर के साइड में हम इस तरह के डॉट्स बना लेंगे और ये जो वुड था उसको अब थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं अब मैं यहाँ पर ना कुछ लीफ बना ले रही हूँ और पिस्ता शेल का ही यूज कर रही हूँ इनके लीफ बनाने के लिए और जो ऊपर का साइड है वहां पर हमने ये जो फ्लार बना लिया था पिस्ता शेल से उसको हम स्टिक कर लेंगे और अब बारी आती है इसको पेंट करने की ये तो ऐसे ही काफ़ी सुंदर लग रहा था अगर अंदर के साइड में ये स्काई ब्लू वाला क्ले um, नहीं होता तो हम डायरेक्टली ब्राउन कलर का ही क्ले यूज़ करते बट मेरे पास नहीं था इसलिए मैं ये जो मेरे पास अवेलेबल था कलर उसे लगा रही हूँ एंड अब मैं इसको करूँगी पेंट तो देखिए ये बहुत अच्छा लग रहा था पेंट करने के बाद Uh, जो उसका स्टेम था उसको मैं कर रही हूँ ब्राउन कलर एंड जो भी लीफ वगैरह हैं उनको मैं कर दूँगी ग्रीन कलर से पेन एंड सेंटर में मैंने अगेन लगा दिया है ब्राउन कलर तो देखिए कितना क्यूट सा हमारा आज के ये तीन डी बन गए हैं तो इसी के साथ हमने बना लिया एक छोटा सा प्लांटर और एक फ्लावर जो कि बहुत प्यारा लग रहा है आपको कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और देखिए मैं जैसे जैसे इस डीआरवाई को कंप्लीट कर रही थी तब तक ये जो क्ले था वो ड्राई होकर बाहर आ रहा था मतलब वो हिल रहा था तो मैंने अगेन इसके अंदर ना ग्लूगन डाल के अच्छे से फिक्स कर लिया है अब ये नहीं निकलेगा और अब इसे कर लेते हैं पेंट तो यहाँ पर मैं वाइट ऑयल पेंट का यूज़ कर रही हूँ और इसे बहुत ही सिंपल मैंने रखा है तो चलिए देखते हैं इन तीनों का फाइनल लुक आपको ये कैसा लगा है लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड मैं अगेन आपको मिलती हूँ नेक्स्ट डी में किसी और बहुत ही प्यारे से वीडियोज़ के साथ तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय